एग्जाम्पल्स हैं कि पोटेंशियल को लगाना कैसे है। आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 कूलम चार्ज और आपको 2 मीटर दूर क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 जूल पर कूलम या वोल्ट एक ही बात है, क्लियर है। पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकलता है, जैसे यहां पे पूछा उसने तो यहां निकाल दिया। जैसे सपोज ये 1 कूलम या 2 कूलम है और मुझे पोटेंशियल कहाँ निकालना है, यहां पे निकालना है, तो मैंने अपने मन में +1 रख लिया यहां पे। तो 1 कूलम यहां पर पोटेंशियल क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/3, और 2 कूलम क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/4, और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को क्या कर देना है, ऐड। ठीक, डायरेक्शन क्या होगी इसकी पोटेंशियल की, इधर राइट की लेफ्ट। हाँ, स्केलर अट्रैक्शन की बात कौन कर रहा है, बस वैल्यू है इसकी, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई वेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐड कर दो खत्म। तो आपका ये आंसर आ गया, जो भी आंसर आएगा। सपोज करो आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, देखो सपोज ये -1 कूलम है, सपोज ये 1 कूलम है और या 2 कूलम है, आपको पोटेंशियल यहां निकालना है 1 मीटर दूर। तो -1 कूलम पोटेंशियल क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/1, और 2 कूलम क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/1। आप कहेंगे यार चार्जेस का तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड फोर्स और फील्ड में लेते हैं, बस हमने किया था। तो वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन डायरेक्शंस में एडजस्ट हो जाता है, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, इसलिए माइनस का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और आपने अल्टीमेटली ऐड करना है, तो इसमें से इसे क्या कर देंगे, ऐड या माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक है यहाँ तक, तो इसमें चार्जेस में नेगेटिव साइन एनर्जी में, पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में लेना है, एनर्जी का साइन लेना है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसमें जैसे सपोज आपको ये 1 कूलम 1 कूलम के बना है और आपसे ये पूछ रहा है कि यहां पर ई निकालो। अब ध्यान से मैंने क्या बोला, ई निकालो, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप यहां +1 रखो, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, कितनी वैल्यू के साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/1 का स्क्वायर, और ये 1 कूलम इस 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल, वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे ई की प्रॉब्लम में, वी की प्रॉब्लम में कोई वेक्टर नहीं, तो ये दोनों कैंसिल होके नेट आंसर क्या आएगा, 0। अब क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्या ऐसा पॉसिबल है कि चार्जेस पड़े हुए हैं, उन चार्जेस के बीच में ई तो आ गया 0 पर वी नॉन जीरो, ई तो आ गया 0 वी नॉन जीरो, हो सकता है ये हुए, ई तो यहां पर क्या आ गया 0, वी निकालोगे क्या आएगा, नॉन जीरो, कुछ ना कुछ तो वी आएगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि दो चार्जेस पड़े हुए हैं उनकी लाइन पे V तो आ गया 0 पर E नॉन जीरो, उल्टा हो सकता है, ये तो हो गया। मैंने बोला फर्स्ट केस नंबर 1 तो ट्रू हो गया, क्या ट्रू हो गया कि E की वैल्यू तो आ गई 0 और V की वैल्यू क्या आ गई, नॉन जीरो, ट्रू है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या केस नंबर 2 हो सकता है कि E की वैल्यू आए नॉन जीरो, V की वैल्यू आ जाए 0, नहीं हो सकता है। सपोज ये 1 कूलम है, सपोज ये -1 कूलम है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, वी निकालना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/1, और इसका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1, तो वी क्या आ गया 0, ई निकालना, यहाँ रखो +1, ये प्लस प्लस क्या करेगा, इसे रिपेल, माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, नॉन जीरो, हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। क्या ऐसा हो सकता है कि सपोज ई की वैल्यू नॉन जीरो और वी की वैल्यू नॉन जीरो, बिल्कुल हो सकता है यार, तुम चार्जेस 4 कूलम 6 कूलम ले लो, देखो ई भी आएगा और वी भी आएगा, सही है, क्लियर है। क्या ऐसा हो सकता है केस नंबर 4 कि ई की वैल्यू 0 वहां पर वी की वैल्यू भी 0, कैसे, चार्ज ही मत रखो, चार्ज नहीं रखोगे तो ई तो वैसे ही 0, इलेक्ट्रिकल रूम में है ही नहीं, पोटेंशियल कहां से आएगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसमें, पॉइंट क्लियर है, सारी कंडीशंस ट्रू है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है यहां तक। तो जैसे इसका वी निकालने, तो इसका वी अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये 1 कूलम
यहां पर वी लगाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय 5। तो इससे इतने वोल्ट आपके पास आंसर आएगा, इसे सॉल्व कर लेना, ऐड करना कुछ करना ही नहीं। अब अगर यही ई होता ना तो ऐसे वेक्टर बनने स्टार्ट हो जाते, फिर कंपोनेंट बनाओ, कैंसल, ऐड, कोई झंझट नहीं, ऐड करो, काम खत्म, क्लोज, ये ज़्यादा आसान है।